Hello everyone, I'm Dr. Rachna, consultant orthodontist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. So, आज हम बात करने जा रहे हैं bruxism के बारे में. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, bruxism क्या होता है? अक्सर बहुत सारे लोगों को आदत होती है रात को अपने दांत पीसने की या ग्राइंड करने की. सो इस हैबिट को हम bruxism, क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग बोलते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि bruxism के क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स है जो हमारी ओवरऑल डेंटल हेल्थ पे पड़ते हैं. सो bruxism की वजह से आपके टीथ फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, क्योंकि bruxism में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फोर्सेस हमारे दांतों पे लगती है, जिसकी वजह से हमारे टीथ फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. bruxism की वजह से हमारे दांतों में मोबिलिटी आ सकती है, दांत लूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अननेसेसरी फोर्सेस पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे टीथ मोबाइल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नंबर 3, bruxism की वजह से हमारे जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहने के भी चांसेस हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि क्योंकि उनके जॉइंट में प्रॉब्लम है इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है. सो अब हम बात करेंगे कि bruxism को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो bruxism को प्रिवेंट करने के लिए हमें नाइट गार्ड यूज़ करने की ज़रूरत होती है. सो नाइट गार्ड एक कस्टमाइज्ड प्लास्टिक ट्रे होती है जो हमारे दांतों के फिट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, और ये एक रिमूवेबल ट्रे होती है जिसे हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो रात को सोते टाइम इसे पहने. नाइट गार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ. सो नाइट गार्ड का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि क्योंकि नाइट गार्ड हमारे दांतों के बीच में फिट होता है, सो इससे क्या है कि जब पेशेंट क्लेंच करने की जो उनकी हैबिट है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके दोनों ऊपर और नीचे वाले जो दांत हैं उनके बीच में एक बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से क्लेंचिंग जो फोर्सेस पड़ती हैं वो कम हो जाती हैं. सो नंबर 2, ये हमारे जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उसके पेन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है, और इससे हेडेक में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है. नंबर 3, गुड नाइट स्लीप. बहुत सारे पेशेंट्स को जब वो रात को क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग या जिनको bruxism की हैबिट होती है वो पेशेंट्स रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फोर्सेस पड़ती है उनके दांतों में, जिसकी वजह से वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं. सो ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है. थैंक यू सो मच.